होता। Okay, so, yes, sir. Welcome, sir. And coming to the second part of our discussion, recently, 26 November was celebrated as Indian Constitution Day. Although, like in 1949, on 26 November, actually, our constitution was adopted, and it became effective from 26 January to 1950. So that's why it is celebrated as the Constitution Day, although from 2015. Okay. So, like, what is the relevance of Constitution Day? It's very relevant today, क्योंकि जो संविधान की प्रस्तावना ही है वही सबको कह रही है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए आत्मसमर्पित है, जहां पूजा की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, भाईचारा निहित, मतलब ये जो संविधान है वह इसी तरह से है जैसे माने भारतीय राष्ट्र के लिए, जैसे किसी व्यक्ति के लिए उसका धर्म का किताब। तो यह साफ कहता है कि हम भारत के लोग लोकतांत्रिक भारत के लोग, जहां सबके लिए अवसर की समानता, सब माने बराबर अपॉर्चुनिटी, बोलने की स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता है, कहीं भी पूजा घरों में, इबादत गाहों में कोई भय नहीं, ऐसा भारत के निर्माण के लिए यह संविधान के प्रति हम लोग आत्मसमर्पित। तो इसको बार बार याद दिलाना, लोगों को पता चलते रहना चाहिए कि व्हाट आर आवर ड्यूटी, क्योंकि केवल हमारा अधिकार ही नहीं है, जैसे एक हस्बैंड डिमांड लॉयल्टी फ्रॉम इट्स वाइफ, सिमिलरली द कंट्री डिमांड्स लॉयल्टी फ्रॉम इट्स सिटीजन, एंड इट मस्ट हैव सम स्टिक। रामायण में भी कहा गया भय बिन होए न प्रीति, जो दोज हु आर डिसलॉयल टू द नेशन, देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट सो दैट दे विल रिमेन लॉयल। Countrymen must be loyal to the nation, and for that they should read the constitution, not the entire volume of the constitution, at least jo samvidhan ki prastavana mool baatein uske prati, to samvidhan divas manane ki mane kafi baatein banana chahiye, yes sir, yaad rakhna chahiye, mujhe school hai, school mein sab din ye prastavana padhaya jata, early morning prayer ke baad sab din ye preamble padhaya jata, अम्बेडकर, बट वन पर्सन वॉज ऑल्सो डियर, बी एन राव, बी एन राव जम्मू कश्मीर, यस सर, एंड ही वॉज काइंड ऑफ, यस सर, एंड जनरली ही इज नॉट मेंशन, यस सर, ही वॉज एज गुड एज डॉक्टर अम्बेडकर, but yes, those sir. Who want to know, they come to know, those who don't want to know, so at the forefront, yes sir, Dr. B.R. Ambedkar and Dr. Rajan Prasad, yes sir, two persons, yes sir, yes sir, famous. Yes sir, and like yes sir, and he was also actually draft was actually prepared under this B.N. Rao sir, but fine tuning was done by Dr. Ambedkar sir. This information is actually is not talked, important sir. Legal preliminary. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And coming to our next question, recently our Prime Minister has given a speech, like on the onset of this winter session of the Parliament. So, what is the meaning of his speech, sir? नहीं सी, मैं पहले भी कहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ कि जो Prime Minister साहब ने इस debate को trigger किया है, तो सेशन में एक दिन इसको एनलिस्ट किया जाए कि भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान दशा क्या और वर्तमान दिशा क्या, तो उसमें जो संविधान पर जो बात करने की बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं अत्यधिक प्रासंगिक। अब देखिए, पहले राहुल गांधी भी कहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि इतने चुनाव हो रहे हैं, जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद भी राहुल गांधी माने जिनको बीजेपी वाले पप्पू भी कहते हैं बोल रहे हैं कि लोकतंत्र है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए अगर अपोजिशन लीडर कुछ कह रहा है। मैं कुछ बातें कह रहा हूँ, जैसे आप देखिए आज सारे मेजर डिसीजन कौन ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट ले रहा है,
आज सारी बातों पर सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, जैसे फार्मर बिल्स था, प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन लीडर को सुन नहीं रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया बिल। अगर वही अपोजिशन लीडर के कहने से सस्पेंड करते तो यह पार्लियामेंट्री मर्यादा होती, लोकतांत्रिक मर्यादा होती। आप इवन यहां देखिए सीबीएसई का रिजल्ट कब डिक्लियर होगा, मार्किंग फॉर्मूला क्या होगा, ये किसका काम है, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, किसको सुप्रीम कोर्ट का रहा है। जितने ट्रिब्यूनल्स है, ट्रिब्यूनल पे अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है सरकार, सुप्रीम कोर्ट का रहा है, ट्रिब्यूनल में अपॉइंट कीजिए और नहीं तो हम एक्शन ले लेंगे। इवन दिवाली में पटाखे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, मतलब इन्वायरमेंटल इशू है, उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला ले रही है। तो जो मेजर काम चल रहा है ये प्योरली एग्जीक्यूटिव का काम है, उस पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रही है। तो यह तो जैसे पाकिस्तान में होता है कि पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी और आर्मी आपस में बातचीत नहीं करती और थोड़ा दिन क्या कि आर्मी के पास चली जाती है, आर्मी को कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर तो बेकार है, आप इसको डिसमिस कर दे अपोजिशन वाले। फिर जब दूसरा प्राइम मिनिस्टर आता है ये कहते हैं कि वो तो बेकार है, आप उसको डिसमिस कर दे। तो हम किधर जा रहे, पाकिस्तान वाले आर्मी के पास जाते, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे, सारे मेजर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले रहा, एग्जीक्यूटिव का पावर अंडरमाइन हो रहा। तो जब संविधान में अलग अलग है तो ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है रूलिंग पार्टी है वह पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को वायलेट कर रहे, अभी तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है, वह अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में ही नहीं दे रहे, ये पाला। अब फिर एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में आखिर क्यों नहीं दे रहे। तो मैं ये भी देख रहा हूं कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी साहब के लीडरशिप में जो सरकार बनी है, हमारी पार्टी का साफ सिद्धांत है कि अपोजिशन मीन्स नॉट वी आर ऑलवेज ऑन कॉन्फ्लिक्ट, वी आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंड द सप्लीमेंट्री रो। एंड यू हैव सीन कि पार्टी पार्लियामेंटेरियन मनोज झा हैज प्लीडेड स्ट्रॉन्गली ऑन द कोरोना केस, लेकिन 2014 से कांग्रेस का लगातार एटीट्यूड रहा है कि वह पार्लियामेंट को चलने नहीं दे, कंटिन्यू हर पार्लियामेंट को ब्रेकडाउन करती है। पिछले बार का जो पार्लियामेंट ब्रेकडाउन हुआ पेगासस इशू पे, कांग्रेस को कोई भी कहेगा यह मूर्ख है, इतना इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करना था सरकार को, कोरोना में सरकार की लापरवाही के लिए सरकार को फिक्स करना था, फार्मर इशू था जिस पर सरकार को फिक्स कर देना था, एक प्रिपेरेशन की जरूरत थी। लेकिन वेरी फर्स्ट डे सारे महंगाई था, बेरोजगारी थी, इस पर प्रिपेयर करके प्राइम मिनिस्टर की बोलती बंद करने देनी थी पार्लियामेंट में, लेकिन कांग्रेस पार्टी एकदम मैंने क्या बोले पहला दिन से ही हंगामा शुरू कर दिया लोकसभा में, और बीजेपी वाले चालाक हैं, अब वो जान गए कांग्रेस का सारा चाल, कोई ना कोई बीजेपी का लीडर कुछ बोल देता जिस पर कांग्रेस वाला लगता हल्ला कर दे और चुपचाप वो बिल पास करा दे। उसी पर तो तृणमूल वाले नहीं बोले थे ब्रैन कि यह तो चाट पापड़ी की तरह बिल पास हो रहा है, बात तो सही थी। तो पार्लियामेंटेरियन के लिए भी इट इज ए सेम कि हाउ यू आर रनिंग द पार्लियामेंट, चाट पापड़ी टाइप, दिस इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो द पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहे हैं वह उनके लिए भी, उनके पार्टी के मेंबर्स के लिए भी अप्लाई होता है, क्योंकि तो उनकी जवाबदेही है कि पार्लियामेंट ठीक से चले और कोई भी कानून बिना बहस के, उनके पास मेजोरिटी है, लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट का इशू है, जो सिक्योरिटी इशू है, उसको छोड़ के बाकी इशू पर आम सहमति हो, व्यापक बहस हो, तभी पास हो। और दूसरा ये कांग्रेस पर भी है, उसमें आज पढ़ा लिखा कोई नहीं बचा, आनंद शर्मा गए, गुलाम नबी आजाद गए, कपिल सिब्बल को तो मैं कभी मानता ही नहीं था ठीक से लीडर, वो कांग्रेस का नासक ही है, नो मोर मणिशंकर अय्यर, कोई भी अब ऐसा माधवराव सिंधिया थे तो उनका लड़के भी चले गए ज्योतिरादित्य, आज एक भी नहीं दिख रहा है जो प्रिपेयर करके सरकार को फिक्स करने के लिए पार्लियामेंट में आता है। आते ही हल्ला शुरू भाई, ये तो बिहार के चौक चौराहा पर उससे बेटर बहस होता है, बिहार के चाय के दुकान पे सवेरे सवेरे इससे बेटर बहस होता है, वहां पर स्टूडेंट बेटर बहस कर रहा है। तो इस बात पर एकदम जरूरी है, नहीं तो पार्लियामेंट अपनी रोल प्ले नहीं कर रहे है। और सुप्रीम कोर्ट सारा काम कर रहा है जो पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी करती है। आप देखिए रमन्ना साहब का स्टेटमेंट डेली आ रहा है
आज इफ ही इज टाइटनिंग द स्क्रू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और हो ही रहा, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करे तो कोई काम ही नहीं हो। यस सर, सो एक्चुअली द थिंग इज देयर इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड देयर इज आल्सो जुडिशियल ओवररीच और दिस द सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट एक्चुअली फॉलोड सर, लाइक इन एवरी स्पेयर दैट इज जुडिशियरी इज लाइक ट्राइंग टू गिव इट्स ओन व्यू सर और कीप इट्स ओन व्यू एंड रिगार्डिंग दिस ऑपोजिशन यस सर लाइक मोदी गवर्नमेंट वॉज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इट वॉज नॉट ए सिलेक्टेड गवर्नमेंट एंड it got the majority of whole India. So whenever a government is like bringing any bill, there should be some healthy discussion on it. It shouldn't be like that, like outrightly rejecting it. Yes, they should be sent for parliamentary standing committees for better discussions. Say for farm bills, sir, they were not sent for these parliamentary committees. And अगर उसको पार्लियामेंट्री कमिटी में थोड़ा भेजा होता तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ सम एट लीस्ट आउट शॉर्टकमिंग्स यस सर शॉर्टकमिंग्स कुड हैव बीन लाइक अवॉइडेड सर सो गवर्नमेंट आज ऐसे हड़बड़ी में करना नहीं है वैसे भी दे हैव द मेजोरिटी दे कैन पास इट एनी वे दे हैव गॉट ए हुपिंग मेजोरिटी ऑफ 400 प्लस मेंबर्स सो दे कैन पास एनी बिल बट द थिंग इज दे नीड सम डिलीबरेशन एंड द ऑपोजिशन ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट इट्स द टाइम टू discuss it's not a time for cancel culture like what they are doing it's a kind of waste of the precious time of the parliament what the opposition is doing like there is no effective outcome of the discussions okay so coming to our next question what is the case of Chinese intrusion like recently a satellite image was released that China is building villages at the Arunachal border sir China corona laya hai pura duniya mein pure duniya mein China ki bejti ho rahi hai pure duniya mein China ki chuthu ho rahi hai to wa usse bachne ke liye ek Bharat ke sath conflict create kar raha pehle Doklam mein kiya ye samay hai ladai karne ka ye samay hai pura duniya corona se lad raha hai aur wo kabhi Galwan mein intrusion kar raha hai कभी बॉर्डर के पास रोड पर माने गांव बसाता है जो लड़ाई करने वाला रोड तो वह अपना इस पाप को धोने के लिए बेशरम की तरह से दुनिया को लड़ाई में झोंकना चाहता है भारत को खास लेकिन पूरा दुनिया भी जानता है कि चाइनीज में इतना दम नहीं है कि वो डायरेक्ट लड़ाई करे 62 में वो किसी देश पे आज तक अटैक नहीं किया है जब तक कोई सुपर पावर का कंसेंट नहीं भारत पे 62 में भी अटैक किया तो अमेरिकन और रशियन क्यूबा क्राइसिस में फंसे हुए थे अगर चाइना को इतना दम है तो उसका ही देश है ताइवान उसको कैप्चर कर ले देख लेते 10 हवाई जहाज उड़ा देता है साउथ चाइना सागर में फ्रिगेट चला देता है लेकिन जैसे ही एक बार अमेरिका का 2 जहाज हवा में उड़ना शुरू करता है कि चूहा की तरह बिल में घुस जाता है और सबसे बड़ा गलवान वैली में भी हो गया कि बिहार रेजिमेंट के लोगों को बातचीत के लिए बुलाया बुला के मार दिया ऐसा तो बिहार के गुंडे मवाली नहीं करते कि किसी को बुलाए कोई बात पर पैक्ट के लिए बुला के धोखेधड़ी से मार दे आप एक देश है आप ये सिविलाइजेशन है और उसके बाद भारत ने जो पेंगोंग लेक पे ब्लैक टॉप कैप्चर कर लिया उसकी हिम्मत नहीं हुई चाइना की आज तक गोली चला वह सिंपली वो जो ऐसा रगड़ा करने वाला जो बेशरम और सभ्य लोग सब होता है बिहार में ऐसा चोर डाकू सब होता है किसी का खेत गाड़ी काट दिए किसी का कुछ मकई काट के गाय को खिला दिए और भारत को चाहता है उलझा देना लेकिन भारत जो उसको हिट कर रहा है इट इज समथिंग लाइक ए नाइफ इन द हार्ट लाइक बैनिंग ऑफ टिकटॉक बैनिंग ऑफ द डिजिटल एप्स बैनिंग ऑफ द लाइक अभी पटाखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने देश को एड्रेस किया कि दिवाली घर की दिवाली हो लोग डायरेक्ट समझ गए सारे चाइनीज पटाखे गाय खिलौना इंडियन इससे चाइनीज को चोट तो बहुत गहरा लग रहा है और चाइनीज में इतना दम है नहीं कि भारत के विरुद्ध डायरेक्ट लड़ाई का ऐलान करे यस सर यस एंड सर एंड रिसेंट इन थोड़ा मोड़ा जमीन का भी 2 किलोमीटर वहां 50 किलोमीटर वहां कर रहा है तो भारत में एक कंफ्यूजन जो पैदा हो रहा है खासकर इस जो राहुल गांधी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट प्लेस है पार्लियामेंट में सरकार फैक्ट के साथ आए और सही सही बात बताए
पूरे देश का दुश्मन है चाइना, वो जो हुआ यस सर, आपको बताने में क्या गलती, पंडित नेहरू वाली गलती मोदी सरकार नहीं करे तो पार्लियामेंट में बहस हो तो तब तो, लेकिन कांग्रेस पार्टी हंगामा शुरू करा देगी, ब्लडी स्टार्ट हैविंग लाइक ए गैस टैंक, गैस पार्टिकल हम नहीं पढ़ते केमिस्ट्री में, देयर इज नो फोर्स ऑफ मैटर, दे आर हैविंग ब्राउनियन मोशन, सिंपली दे स्टार्ट लाइक ए ब्राउनियन मोशन, ब्लडी फूल्स, इज दिस द वे यू रन द पार्लियामेंट, हम लोग को कुछ सुनने नहीं रहता, टेलीविजन पर जो डिबेट होता है लेकिन पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होता, टेलीविजन डिबेट में भी आजकल देखते हैं मार कुछ नहीं व्यूअर सुनता, एक ही डिबेट है डीडी टू पर जो हम लोग थोड़ा सुन पाते, बाकी मुंह चलता है कि चप्पल चलता है, क्या चलता है, पढ़ के आता है कि मसाला पीस के आता है घर में, रोटी बनाता है क्या आता है कि सब्जी खरीद के लाता है मार्केट से, बहस करता है कुछ पता नहीं चलता, वही हाल है पार्लियामेंट, दिस इज क्रिएटेड बाई कांग्रेस, कांग्रेस शुड बी केयरफुल, सुषमा स्वराज से लेसन लेना चाहिए, जब न्यूक्लियर डील के बाद पार्लियामेंट में होता था हंगामा, सुषमा स्वराज पार्लियामेंट में बहस होने देती थी, हंगामा नहीं होने देती, ये हंगामा को रोके कांग्रेस, अब बहस हो और सरकार को फिक्स कर, ओके ओके सर, एंड रिसेंटली सर, यस यस सर, एंड S-400 दिस S-400 वाज प्रोक्यूर्ड फ्रॉम रशिया सर, सो इट्स अ काइंड ऑफ क्लियर सिग्नल टू चाइना कि we are being proactive, Indian army is being proactive, and yes, and sir like China hasn't been like active like yes sir, yes as for dega, lekin sabse bada question kya hai ki aapki mein military potential kyon chahiye, bharat mein ek mashhoor general lieutenant general bas mane kafi sammanit general hai, general सुंदर जी के बाद उनकी इज्जत है, थिंकिंग जनरल कहलाते हैं, उनका पहला ही क्वेश्चन था वी नीड ए फोर्स बट हाउ मच फोर्स एंड व्हाट फॉर, तो ये मिसाइल कवर हमें क्यों चाहिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट चाहिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों चाहिए, पाकिस्तान से हमें एक ही खतरा है कि हम चाहते हैं न्यूक्लियर वॉर नहीं हो, तो जब वो फर्स्ट स्टेट पोटेंशियल उसने डेवलप किया है 45 किलोमीटर रेंज के लिए आर्मी के, मेन है कि उसके न्यूक्लियर पोटेंशियल को तोड़ देना, 87 में जो ब्रास था एक बार पाकिस्तान के साथ शो डाउन जरूरी है, एक निर्णायक लड़ाई है, जब S-400 आ गया है पाकिस्तान के साथ कवर आ रहा है, नहीं तो रख के क्या है, फिर से वो भी खरीद लेगा किसी से, तो अभी हम पाकिस्तानी मिसाइली हमला से बचने का हमें एक मिल गया, तो अभी टाइम है या तो पाकिस्तान बातचीत करे, बातचीत में अपना न्यूक्लियर आर्म्स पहन कर, पाकिस्तान के पास परमाणु नहीं है, सुपर पावर उसको गारंटी दे, भारत अगर परमाणु हमला करेगा तो पाकिस्तान की रक्षा करेगा रूस और अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान के पास से न्यूक्लियर बम चलाता है, अगर वह नहीं मानता तो भारत उससे एक लड़ाई लड़े, तभी वो S-400 की कोई बात, जैसे इंदिरा गांधी ने 71 में लड़ाई लड़ा और पाकिस्तानी आर्मी के स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ दिया, तो आप देख लीजिए पाकिस्तान 48 में लड़ाई किया, 62 में चाइना लड़ाई किया, 65 में पाकिस्तान लड़ाई कर दिया, 71 में फिर पाकिस्तान, तो इसका मनोबल कितना ज्यादा, लेकिन 71 में जो 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर किया, वो पाकिस्तानी आर्मी का मोरल एकदम से टूट गया, स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो, उसके बाद किसी पाकिस्तानी सोल्जर की हिम्मत ही नहीं हुई, अब फिर से फड़फड़ा रहा, तो एक बार निर्णायक युद्ध का जरूरत है, S-400 मिसाइल सिस्टम आ गया है, यस सर, उसके बाद पाकिस्तान पर सीधा कहे कि आप परमाणु बम हटाओ और नहीं तो भारत हमला yes, करके उसके परमाणु बम को छीन, यस सर, नहीं तो S-400 यस सर, एंड इट हां हां एंड सर इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ डायरेक्ट मैसेज टू चाइना लाइक एज चाइना इज इन्वॉल्विंग इन लॉट्स ऑफ क्लैशेस सर, सो दैट्स वन थिंग, एंड अनदर थिंग इज देयर लाइक दैट इज नॉट जनरली चाइना इज नॉट आवर एनिमी कवर्ड इन रूटीन, यस रावत साहब हैज टोल्ड, बट नंबर वन एनिमी इज पाकिस्तान, this bloody terrorist from Afghanistan, yes yes sir, they are our enemy, yes they are our yes, number yes. one enemy, we must destroy them, that would be our prime target, yes sir yes sir yes sir yes sir, and sir recently this communist party's meeting was held recently sir, when this Xi Jinping was re-elected, yes sir, so sir the point is that like jo ye meeting hua tha na sir, actually सिंस चाइना का इमेज बहुत खराब हुआ था सो उसके लिए लाइक किंग शी जिनपिंग को एक्चुअली आंसर देना था कि क्यों ये हुआ तो एक्चुअली ही वाज ट्राइंग टू कवर अप दैट्स व्हाई लॉट्स ऑफ क्लैशेस विद इंडिया सो दैट इश्यू कैन यस सर सो दैट इश्यूज कैन बी लाइक डाइवर्टेड माओ से तुंग से कंपेयर कर रहा है माओ ने 7 लड़ाई लड़ी
सरकार कैप्चर किया क्या क्या, बहुत सारे काम थे। शी जिनपिंग ने अपने में कौन सा लड़ाई लड़ा, दुनिया में कोरोना फैला दिया, भारत ने डोकलाम में उसको हड़का के भगा दिया, गलवान वैली में आया धोखाधड़ी से बिहार रेजिमेंट वाले को मारा, उसके बाद ब्लैक टॉप पेंगोंग लेक में भारत ने कैप्चर कर लिया, और तब तक नहीं हटा। शी जिनपिंग ने किया क्या, तो कोई साइंस न टेक्नोलॉजी, बिना मतलब के दुनिया में पगला के तरह ऐसे सांड के तरह घूम रहा है, भारत बीच बीच में 1 लाख दे देता है तो फिर घुस जाता है। ये अपने मन से बन रहा है, जैसे जनरल अयूब नहीं था पाकिस्तान का, अपने मन से अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर लिया, जबकि जब लड़ाई में बर्मा फ्रंट पे था तब जनरल मेसर भी जो फर्स्ट सीजीए माने आर्मी जनरल थे पाकिस्तान के, उन्होंने अयूब खान के बारे में लिखा ही इज ब्लडी कवर्ड इन एक्शन, ही शुड बी रिमूव्ड, जो युद्ध का में कायर है वो अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर लिया। वही है शी जिनपिंग, कोई लड़ाई नहीं लड़ा, दुनिया का कोई भला नहीं किया, एशिया में किसी के लिए स्टैंड नहीं करता, अभी अब अफगानिस्तान को लूटेगा लिथियम का ले लेते। यस सर, ये लिथियम जैसे मैं आज अभी अपने आप को कह दूं कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया, लात खाओ, वही शी जिनपिंग अपने मन से काबिल नहीं, किसको नहीं आता। ओके, सो आई सेड दिस वाज फॉर टुडे सर, एंड वी विल डिस्कस ऑन मोर इश्यूज Okay. In our next session. Thank you, sir. Watch carefully the how the parliament will progress. This time we will have this parliamentary debate here. Thank you, Mr. Yes.